प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव से पहले राज्य का सियासी पारा बढ़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता में लगातार दूसरी बार काबिज होने के लिए रणनीति बना रही है, तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस अपना वनवास खत्म करने की रणनीति बना रहे हैं। राजनीति में हमेशा से हावी रहा जातीय समीकरण इस बार ज्यादा मुखर दिखेगा। एक तरफ जहां मुख्यतः विपक्षी दलों की ओर से जातिगत जनगणना और संख्या के हिसाब से आरक्षण की मांग तेज होने लगी है, वहीं सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से ज्यादा हक और सम्मान के साथ ही नारों के बजाय अधिकार और क्रियान्वयन पर जोर होगा। यह तय मानकर चला जा रहा है कि विकास बैंक सीट पर होगा और जातीय समीकरण मुख्य मुद्दा होगा। विकास उसके पीछे पीछे चलेगा। उत्तर प्रदेश का पिछड़ा वर्ग आयोग जल्द ही 39 जातियों को पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने की सिफारिश करने वाला है। राज्य आयोग के अध्यक्ष का बयान मीडिया में आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आयोग के समक्ष जिन जातियों की ओर से पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल होने के आवेदन आए थे, हिंदुस्तान की राजनीति में जाति अहम रहा है, लेकिन कुछ सालों से चुनावी मुद्दों में विकास के विषयों को शामिल करने का चलन रहा है, पर माना जा रहा है कि इस बार चुनावी मुद्दों में जाति का समावेश हो सकता है, लगभग उसी तर्ज पर जैसा 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में हुआ था। तब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरा चुनाव आरक्षण को केंद्र में रखकर लड़ा गया था। सूत्रों की माने तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उसी लिहाज से अपना अखाड़ा तैयार किया है। गौरतलब है कि आरएसएस सामान्यतः किसी मुद्दे पर तत्काल अपनी प्रतिक्रिया नहीं देता है, लेकिन इस बार संघ की ओर से बयान जारी कर आरक्षण की वकालत की गई है। राज्यों को ओबीसी जातियों के चयन का अधिकार वापस देने के लिए केंद्र ने ही पहल की और सभी विपक्षी दलों को साथ खड़ा होना पड़ा। समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, यहां तक कि कांग्रेस ने भी आरक्षण की सीमा 25% से बढ़ाने की मांग कर बढ़त बनाने की कोशिश की। जातिगत जनगणना की मांग भी कुछ इसी उद्देश्य से की जा रही है। बताया जा रहा है कि सभी दलों की ओर से इन्हीं कुछ मुद्दों को केंद्र में रखने की तैयारी है। वही केंद्र सरकार ने 27 ओबीसी, 1.5 दर्जन अनुसूचित जाति और लगभग 1 दर्जन आदिवासी मंत्री बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जन आशीर्वाद रैली कर जनता तक यह संदेश पहुंचाने में देरी नहीं की कि वह नारों तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे जमीन पर उतारने में जुटी हुई है। केंद्रीय शिक्षण संस्थानों में खाली पड़े आरक्षित पदों के लिए निर्देश जारी किए जा चुके हैं। बताया जाता है कि बहुत जल्द अन्य संस्थानों में भी रिक्तियां भरी जाने की तैयारी है। आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर तो अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि यह कोर्ट के निर्देश से लागू है, लेकिन यह तर्क भी दिया जाता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो 10% आरक्षण का प्रावधान है, उसका लाभ सभी वर्गों के लिए हो। सूत्रों की माने तो अगले कुछ महीनों के अंदर ओबीसी वर्गीकरण की रिपोर्ट आ सकती है, जो उस वर्ग के अंदर की असमानता और हकमारी को सार्वजनिक कर देगी। जिन 39 जातियों के पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल होने की संभावना बताई जा रही है, उनमें से ज्यादातर अभी अगड़ी जाति में शामिल हैं और भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक मानी जाती हैं, जैसे अग्रहारी, वैश्य, केसरवानी वैश्य, रुहेला, भाटिया, कायस्थ, भूटिया, बगवा, दोहर, दोसर, वैश्य, भट्ट। चूंकि उत्तर प्रदेश में अब सिर्फ 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, इस वजह से वहां हर मुद्दे की संवेदनशीलता बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। अगर आयोग चुनाव से पहले अपनी सिफारिश सरकार को भेज देता है, तो फिर सरकार को चुनाव से पहले ही कोई न कोई फैसला लेना पड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में इन दिनों गैर भारतीय जनता पार्टी दलों, जिनमें एसपी और बीएसपी प्रमुख हैं, वह इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के अपर कास्ट वर्ग के वोट बैंक में सेंध लगाने में जुटे हैं। बहुजन समाज पार्टी पूरे राज्य में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन कर रही है, तो समाजवादी पार्टी ने भी ब्राह्मणों को लुभाने के लिए यह वादा किया है कि राज्य में उनकी सरकार बनने पर लखनऊ में भगवान परशुराम की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। वैसे भी सामाजिक न्याय की बात करने वाले कई दलों में समाज के बदलते परिवार ज्यादा फला फूला। संदेश साफ है कि कम से कम आगामी चुनावों में जातिगत समीकरण का डंका ही बजेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।